बचपन में पॉकेट मनी के नाम पर हमें मम्मी से कभी कभार 50 पैसे या 1 रुपए मिलता, लेकिन रोज शाम को कुल्फी वाले की घंटी सुनकर मेरा मन मचल उठता। तब मेरे छोटे भाई को एक तरकीब सूझी। मेरे दादाजी रोज बाजार से आकर अपना कुर्ता खूंटी पे टांगते, जिसमें 2-3 रुपए के छुट्टे तो मिल ही जाते। तो हमने सोचा उसमें से अगर 1 रुपया निकाल भी ले तो किसे पता चलना है। तब से हम मौका मिलते ही 1-2 रुपए की चोरी करने लगे, जिसकी हम कई सारी टॉफियां, चिप्स और छोटी मोटी चीजें खरीद लेते। और कुछ दिनों बाद हमने अपनी सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया और दादाजी की जेब से पूरे 5 रुपए चुरा कर हम अपने दोस्तों के साथ मेले में झूले झूलने गए। तब अचानक हमारे घर की छत से मेरी बहन की नजर हम पे पड़ी। इस बात से अनजान जब हम घर पहुंचे तब घर वाले हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने हमें डांट फटकार तो लगाई लेकिन बड़े प्यार से समझाया भी। तब से उन्होंने हमारी पॉकेट मनी भी थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन उन पैसों को फालतू की चिप्स में बर्बाद करने की बजाय मैं उनको गुल्लक में इकट्ठा करने लगा ताकि अपनी बिटिया को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं।